गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर कंप्लीट चैप्टर. वी हैव डन ऑल द चैप्टर ऑफ चैप्टर 9, ऑल द टर्म्स ऑफ दिस 9. टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी विद द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन और MCQs एज वी कैन से. बाइनरी फ्यूजन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी इंटू टू हाफ. स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी इंटू टू पार्ट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन. एंड ओनली अमीबा दैट वी हैव स्टडीड, अमीबा हैज द बाइनरी फ्यूजन. देन द आंसर इज अमीबा. एमसीक्यू का जो फर्स्ट है दैट इज अमीबा. सेकेंड वन इज मेल गोनेट्स आर. आई सेड गोनेट्स आर द सेक्स ऑर्गन्स. आई सेड गोनेट्स आर द सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स और द हैप्लोइड सेल्स. दैट प्रोड्यूसेस द हैप्लोइड सेल. हैप्लोइड सेल इट मीन द सेल्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम एज यू कैन से दैट इज एन. और एन इज इक्वल टू 23 क्रोमोजोम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा. मेल गोनेट्स आर टेस्टीज. मेल गोनेट्स आपके क्या है बेटा, टेस्टीज. ओके, नाउ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अब मुझे पता है कि मेल गोनेट्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस द मेल हार्मोन. मेल गोनेट्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस द मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन. तो यहां पर दिया हुआ है द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज. थर्ड वन इज ऑल्सो टेस्टीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल. फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस. दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो द डी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल. फीमेल के अंदर ओवरी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या, यस ओवरी है क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहां पर लिखा नॉट द ओवरी है रिप्रोडक्टिव. फेलोपियन ट्यूब यस, यूट्रस यस, बट टेस्टिस जो है यहां पे वो फीमेल होता है क्या, नहीं. तो आंसर इज टेस्टिस. हियर इज ऑल्सो टेस्टिस. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल. फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, ये टेस्टिस तो नहीं है भाई. ई, बिकॉज टेस्टिस आर फाउंड इन द मेल. नाउ द ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस इज. स्पर्म को कौन सी ट्यूब लेकर जा रही है, दैट इज स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट और इसको बोलते हैं हम लोग वास डेफरेंस. वास डेफरेंसेस. ओके, नाउ द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड अजाइगोट. फर्टिलाइज एग को हम लोगों ने क्या बोला है, जाइगोट. व्हाट इज जाइगोट, इट इज द डिप्लोइड सेल. इट इज डिप्लोइड सेल दैट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड टू सेट्स एन प्लस एन. एंड एन प्लस एन मीन्स 23 प्लस 23 फॉर्म्स द 46 क्रोमोसोम. इट मीन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल दैट इज जाइगोट. इट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज fertilized egg. Now it has to move to the uterus for the further development. Okay, now what is the full form of IVF? IVF, I said IVF it is a type of external fertilization. It is a type of, it is a method of external fertilization in which the egg and the sperms are collected into the test tubes and fertilized outside of the body. Whenever it gets the 32 cells, these are transplanted to the mother's uterus and further development for does the takes place. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, zygote is the fertilized egg. Now what is the full form of IVF? IVF always terms for the in vitro fertilization. What is in vitro fertilization? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, दैट इज द फ्रॉग. कौन शो कर रहा है? फ्रॉग. आई बात समझ? दीज आर योर एमसीक्यूज. ये आपके क्या है? एमसीक्यूज. आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर टू, दे आर प्रेजेंट इन द ओनली वन पेरेंट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन टू टू पार्ट. नाउ आई डिस्कस बाइनरी फिजन. इट इज बाइनरी फिजन. इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ अ बायोलॉजिकल एंटिटी. एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी एक हूबहू कॉपी बनाना बाय ट्रांसफरिंग द टोटल जेनेटिक कैरेक्टर, कंप्लीट जेनेटिक मटीरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इनटू डिफरेंट मदर. इट इज नोन एज क्लोनिंग. इट इज नोन एज क्लोनिंग. ओवरीज आर द फीमेल गोनेट्स. व्हाट आर ओवरीज? द सेल फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. रिसेंटली आई डिस्कस इट इज नोन एज जायगोट. Is known as zygote. Repeat division of zygote results in the formation of repeating division. हो रहा है किसमें? Zygote में. और zygote की after की condition क्या है? That is embryo. Internal fertilization takes place in plant. Internal fertilization takes place in humans. एक clear example है humans का. फ्रॉग अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अडल्ट फ्रॉम द टेडपोल. तो एच इज मेटामॉर्फोसिस. दीज आर योर ब्लैंक्स. यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स इन टू द ब्लैंक्स. इन ए दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन बी बाइनरी फ्यूजन. सी इज क्लोनिंग. थर्ड डी इज ओवरीज. E is zygote, that is embryo, humans and metamorphosis. Okay, it is your question number 2. Now we will discuss match the following. You have to match the proper option of this. First one is metamorphosis. B is egg. C is budding. D is binary fission. And E1 is male hormone. Okay. I am writing only the answers of this. यहाँ इसके सामने बहुत कुछ लिखा, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको जम्बल्ड करके दिया होता है. यू हैव टू मैच द करेक्ट लाइन. मेटामॉर्फोसिस ऑलवेज फाउंड इन द फ्रॉग. मेटामॉर्फोसिस ऑल फाउंड इन द फ्रॉग. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स, बट मेटामॉर्फोसिस हम लोगों ने चैप्टर के बिहाफ पे किसने पढ़ा है? फ्रॉग में. ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग. एक्स आर फीमेल गैमेट. एक्स आर फीमेल गैमेट. दीज आर द आंसर्स. ओके, बडिंग ऑलवेज फाउंड इन हाइड्रा. बडिंग ऑलवेज फाउंड इन हाइड्रा. बाइनरी फ्यूजन. रिसेंटली आई डिस्कस बाइनरी फ्यूजन ऑलवेज फाउंड इन अमीबा. ठीक है, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. ओके, ये आपको पता होना चाहिए.
ये चीज मैंने आपको बता दी है. नाउ विल डिस्कस द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स. आंसर्स इन द ब्रीफ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये सब कुछ आपको पता क्या आंसर्स इसके सामने है आपकी बुक में जो दिया हुआ है. दीज आर जम्बल्ड बट आई हैव रिटन द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ब्रीफ. वॉट इज क्लोनिंग? वॉट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग अभी मैंने आपको बताया इन द ब्लैंक्स द एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी जेनेटिक कॉपी ऑफ ए बायोलॉजिकल एंटिटी. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, ठीक है. आंसर नंबर 2, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. नाउ नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग. कौन कौन सा मोड? मोड का मीन टू, वी हैव टू मोड्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो विच टाइप ऑफ मोड इज फाउंड इन दीज टाइप ऑफ. आंसर थर्ड, दैट इज ए बी एंड सी. ये आपका क्या है? ए है, इट इज बी, इट इज सी. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हाइड्रा एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में कौन सा होता है? बडिंग. इन हैंड इंटरनल. अच्छा अच्छा समझ. हाइड्रा में होता है आपका एसेक्सुअल, ठीक है. हैंड के अंदर क्या है? सेक्सुअल है. ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस में भी क्या होता है? सेक्सुअल. और इंसेक्ट्स में? इंसेक्ट में या तो दे विल प्रोड्यूस द एग्स ना, तो इंटरनल. Now, list of the male and female reproductive organs in human body. Reproductive organs के बारे में मुझे बताना है. What are the list of male and female reproductive organs of human body? दोनों का बताता हूँ आपको मैं. Male and female. Male में क्या होता है? Testes. यहाँ पर क्या होता है आपका? Ovaries. टेस्टिस के आफ्टर क्या होता है? स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट. इसके बाद में उनका होता है पेनिस, और यहां पर आपका क्या है? यूट्रस. ओके, दिस द पार्ट. These are the parts. Three parts are found in the reproductive organs of reproductive systems.
हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन इन हैन टेक्स प्लेस, ये क्वेश्चन पूरा पूरा आपको बताना है, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ हैन के अंदर। नाउ अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेल नंबर, सेल नंबर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है इसमें बताना है, इसको अरेंज करना है किसमें सेल्स ज्यादा होगी और किसमें कम सेल्स होगी। देखिए आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जायगोट बनता है। जायगोट कितना है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग लिखना है, सबसे कम किसमें है जायगोट में, जायगोट के आफ्टर किसमें सेल्स ज्यादा होंगी, जायगोट के आफ्टर होगी एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के आफ्टर किसमें सेल्स ज्यादा होंगी फोइटस में, और फोइटस से ज्यादा किसमें होगी अडल्ट में। आई बात समझ में? तो यहां पर डिस असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, मैक्सिमम सेल्स और यहां पर क्या होंगी मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। सबसे कम किसमें होगा, जायगोट में। हाउ डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग्स, आई सेड द फीमेल ऑलवेज रिलीजेस दियर एग्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर एंड द मेल फ्रॉग विल स्प्रेड इट्स स्पर्म्स ओवर द एग्स, और बाहर फर्टिलाइजेशन का वॉटर सरफेस पे ही होता है। ठीक है, इसमें आगे आप लोग रीड करके लिखेंगे आंसर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, कुछ नहीं बताना, बाइनरी फ्यूजन इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी दैट इन विच द बॉडी ऑफ द पेरेंटल बॉडी इज स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप्स द न्यू अमीबा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस, इसमें से मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। लाइफ बिगन्स फ्रॉम द लाइफ बिगन्स फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, लाइफ बिगन्स फ्रॉम द जायगोट। अब एक ही बात है जिसमें पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड मेल गोनेट्स टेस्टिस, फीमेल गोनेट्स ओवरीज, फीमेल गोनेट्स ओवरीज। ओके, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, दीज आर स्पर्म्स, दीज आर एग्स। ओके, ये भी क्या है आपकी एन सेल, इट इज ऑल्सो द हैप्लोइड सेल, दोनों में क्या होगा फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा बेटा, इट इज जायगोट, एंड जायगोट इज ए फर्टिलाइज एग दैट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज डिप्लॉइड सेल। तो यहां से क्या होगा, जायगोट में ही क्या होगा, जायगोट विल मूव्स टू यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यूट्रस की तरफ जायगोट मूव करेगा, कहां पर जाएगा, यूट्रस में, इट एम्बेडेड टू द प्लेसेंटा, ओवरी की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है, इनर यूटरिन वॉल, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यहां पर क्या हो जाएगा, अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच हो गया। आफ्टर इसके अंदर क्या होगा, सेल डिविजन होगा, एंड देन सेल डिविजन आफ्टर द जायगोट विल ट्रांसफॉर्म इंटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल ट्रांसफॉर्म इंटू फोइटस, ठीक है। तो बेबी इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की लास्ट प्रोसेस क्या है, एक फोइटस तक जाता है, फोइटस के बाद में क्या मिलता है मुझे, प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या मिल जाता है उसका, मुझे बेबी मिलता है। तो एक न्यू एंटिटी को जन्म दे रहा है, ये इसने बोला कि लाइफ बिगन्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट, एक ही सेल है जायगोट, उस जायगोट से सारा काम हो गया क्या, यस। तो यहीं से एक नई लाइफ का
जन्म हुआ ना, नई लाइफ हो गई, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जायगोट से स्टार्ट हुआ, और जायगोट के बाद में क्या मिला? नई लाइफ मुझे मिल गई। ओके, तो इट इज द होल प्रोसेस जो आपको रीड आउट करनी है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे, आप लोग फिल द, आपके जो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसलिए लिखा है सिक्स क्वेश्चन, लेबल द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिवन बिलो, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ पार्ट्स वेयर द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ ओवम मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स। ओके, दीज आर द ट्यूब्स थ्रू विच द एग्स मूव्स टू द, दीज आर द ट्यूब्स दैट इन विच द एग इज प्रेजेंट, जहां पर एग है ओवरीज से कहां आता है? फेलोपियन ट्यूब में आता है। आई बात समझ? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द रिलेटिव चैप्टर टू दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हेनेवर यू रीड दिस चैप्टर 9। ओके, इट इज ऑल इनफ ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।